बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अली सुदेश। आज हम बात करेंगे अबाउट आज़ादी। सबसे पहले तो आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन एक खुशी का दिन है, ऑफ कोर्स कि हमें आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों से आज़ादी और इंडिया से आज़ादी। वहाँ जहाँ सारा दिन लड़ाइयाँ होती थी, मसाइल होते थे, और मुसलमानों को एक प्रॉब्लम होती थी, मैं घर पहुँचूँगा तो मेरे बाप बैठे, बहन भाई वगैरह वो ज़िंदा होंगी नहीं होंगी, किसने उनकी इज़्ज़त को नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा, वो सारे सब चीज़ों से हमें आज़ादी मिल गई। दूसरी तरफ हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिल गई और हम आज़ाद हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हम में। एक तो हम में वो रसूमात आई जो कि इंडिया की थी, और कुछ चीज़ें हम में छोड़ गई और वो हैं हसद, बुग़्ज़ और कीना। आज़ादी का मतलब ये होता है कि जनाब आप जब आज़ाद हैं तो आप पे बाहर से कोई टेंशन दबाव नहीं है, जैसे अंग्रेज़ों का कोई दबाव नहीं है, कल्चरल डिफरेंसेस का कोई दबाव ना हो, कोई रिलीजियस डिफरेंसेस का दबाव ना हो, इन चीज़ों का कोई दबाव ना हो, इसको कहते हैं आज़ादी। लेकिन मसला ये है कि हम आज़ाद तो हो गए अंग्रेज़ों से या इंडिया से, लेकिन हम कल्चरल डिफरेंसेस से आज़ाद नहीं हुए, हम रिलीजियस डिफरेंसेस से आज़ादी नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात हम लैंग्वेज डिफरेंसेस से आज़ाद नहीं हुए। हमारी ज़बान पर अब भी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये पश्तो स्पीकर है, ये सिंधी है, ये बलूची है, ये हिंदू है, ये सराइकी है, और भी बहुत सारे हैं। ये सारी डिफरेंसेस अब भी हमारे बीच में हैं, और डिफरेंसेस जब तक ख़त्म नहीं होंगे तो हम अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे। हमारा गोल तभी क्रिएट होता है जब आप आज़ाद होते हैं। लेकिन जब आपकी आज़ादी ऐसी हो कि वो जो जस्ट फिज़िकल आज़ादी तक महदूद हो और मैंटली अब आज़ाद ना हो, तो आज़ादी नहीं होती। आज के दिन में ये अहद करें कि हम घर से निकलते हुए कभी भी किसी को गाली नहीं देंगे, हम कभी भी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे, बेजा किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, हम अपने दिल और दिमाग में हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं रखेंगे। क्योंकि याद रखना, जब आप हसद, बुग़्ज़, कीना करते हैं तो याद रखना, इसकी वजह से आप अंदर ही अंदर से खोखले बन जाते हैं, आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है और आपके साथ जितने लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। याद रखना, जब आप घर से निकलते हैं और किसी को एक स्माइल देते हैं तो वो स्माइल वापस आती है, लेकिन अगर आप किसी को गुस्सा करते हैं तो गुस्सा भी वापस आएगा। हम गए थे कुछ अर्सा पहले सवात, और वहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई हुई, तो मेरे कज़न को कहा भाई इनको कुछ ना कहो, एक ड्राइवर था। क्यों? क्योंकि वजह ये थी कि मैंने कहा आप इसको गुस्सा करेंगे तो ये किस पर गुस्सा करेगा, जाके और लोगों पर करेगा, तो और लोग इसको गुस्सा करेंगे, और फिर ये गुस्सा जाते जाते इसके घर तक पहुँच जाएगा, और फाइनली इसका निशाना इसकी बीवी या बच्चे हो जाएंगे। तो अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन क्रिएट क्यों होती है? जब हसद हो, बोझ हो, कीना हो, जब डिसअपॉइंटमेंट्स हो, उस वक्त क्रिएट होती है। आप बाहर निकलेंगे तो किसी ने नुकसान किया होगा, किसी पास पैसे नहीं हुए, जिस किसी का रोज़गार नहीं होगा, कोई फेल हो गया होगा, किसी कोई ऐश में नाकाम हो गया होगा, किसी को कोई और नुकसान हो गया होगा, और सब फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन अंदर अंदर होती है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि आज़ादी का दिन है, अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ और अपने प्यारों के साथ बैठ जाएं, उनके साथ डिस्कशन करें। याद रखना, अगर आप अपने लोगों की बातें नहीं सुनेंगे तो और लोग सुनेंगे। और बाहर शिकारी बहुत होते हैं, इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, शिकारी बहुत होते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि जो मेरे अपने हैं वो शिकार बन जाए। तो ये आज़ादी के दिन पर एक और आज़ादी भी शुरू करें, और वो आज़ादी हैं हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, या बाकी जो डिफरेंसेस हैं उनसे, और आप एक आज़ाद बन जाएं मेंटली बाकी चीज़ से। सिर्फ इतना ही कहना था, इस आज़ादी के टाइम पे आप अपना गोल बनाएं, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हमें गोल से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक सकता है तो हमारा अपना माइंड होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी और मेरा भी, अपनी दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।